पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलों पर भले ही ब्रेक लग गया हो, लेकिन इन सब के बीच अलीराजपुर कांग्रेस में भी कुछ नेताओं के दल बदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसे रोकने के लिए जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश ने इसे तुरंत संज्ञान में लिया और अफवाहों का खंडन किया। देखें ये रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच अलीराजपुर में एक नया सियासी बवाल देखने को मिला, जहां पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश पटेल और चौबट से वर्तमान विधायक सेना महेश पटेल के बारे में भी सोशल मीडिया में दल बदल करने की चर्चाएं शुरू हुई, जिस पर जिला अध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए इन तमाम चर्चाओं पर ब्रेक लगाया। मैंने इसलिए मैसेज डाला कि मुझे भी कुछ लोगों का फ़ोन आ रहे थे, हमारे कार्यकर्ता के फ़ोन आ रहे थे, तो मेरा पूर्व विधायक मुकेश जी पटेल और वर्तमान झुगड़ विधायक सेना पटेल जी से भी बात हुई। उनके द्वारा ये बताया गया कि हम किसी भी दूसरे दल में नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। ये जो सारे भ्रामक प्रचार किसी के द्वारा फैलाए जा रहे हैं, मैंने इसीलिए वो मैसेज डाला कि हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा फ़ोन आ रहे थे और वो भी चिंतित हो रहे थे, लेकिन पूर्व विधायक और विधायक से बात करने के बाद मुझे सोशल मीडिया पर ये जो मैसेज इसलिए डालना पड़ा कि कोई भी चिंतित नहीं हो, कांग्रेस का हर हमारा विधायक पूर्व विधायक और हमारे पार्टी के सब कार्यकर्ता एकजुट है, वह किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे और वर्तमान में पार्टी के साथ रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियासत में शुरू हुआ सियासी बवंडर आखिरकार सोमवार को थम गया, लेकिन इस सियासी ड्रामे ने अलीराजपुर में भी दल बदल की चर्चाओं का बाजार तेज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जोबट।